होडल नगर परिषद में ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें वेतन न दिया गया तो वो हड़ताल जारी रखेंगे, सभी कच्चे कर्मचारी सफाई कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके घरों में 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनके घरों में राशन भी नहीं है। हमारी ये मांग है कि हमारी 8 महीने से सैलरी मिली है और हमारे जो पहले विधायक रह चुके हैं उनके राज में हमने काम करा है, ना हमारी वो सुनवाई कर रहे हैं, ना अब चेयरमैन नए बैठे हैं, अब ना वो कुछ कर कह पा रहे हैं, ना कुछ हमसे जवाब दे रहे हैं, ना हमें कहीं ले जा रहे हैं। हम इतने परेशान हैं, हम इतने भूखे हैं, हमारे घर में आटा भी नहीं है और हमारे बच्चे बीमार हैं, स्कूलों से भगा दिए गए हैं, मास्टर ने मना कर दिए हर चीज़ की। हम इतने बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम क्या महीने से वेतन नहीं मिला, 8 महीने से सैलरी नहीं मिली हमें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें सैलरी दी जाए। और अगर आपकी सैलरी नहीं मिलती तो आप क्या करोगे, हड़ताल जारी रहेगी कि? हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि होडल शहर में नगर परिषद के ठेके पर सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लग गए हैं। पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर हड़ताल शुरू कर दी है, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पहली मांग तो हमारी तनख्वाह की है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, 8 महीना लग गया और उसी दिन से काम करे जा रहे हैं हम। और दूसर का को हम जब तनख्वाह की कहते हैं हटाने की धमकी मिलती है हमें। तो तनख्वाह न मिलने से क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे रोते हैं, परेशानी नहीं है, हैं? एमएलए और चेयरमैन और मेंबर तो झिक्के सो जाते हैं, हम भूखे काम में। आपने किसी से बात करी क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं करी हमने, कोठी पे भी गए। अच्छा। चेयरमैन तो कल परसों हुआ बेचार, चेयरमैन के पास भी गए, चेयरमैन तो कह रहा है 1 महीना की तनख्वाह की। वोटी पे किसकी लगाई है बताओ? एमएलए की पे गए हम। अच्छा, तो अभी अगर तनख्वाह में वेतन नहीं मिलता आपको क्या कार्रवाई होगी? हम तो आगे हड़ताल करेंगे। हड़ताल। वहीं ठेका सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य ने बताया कि होडल नगर परिषद द्वारा नियुक्ति के बाद अभी तक उनको 8 महीने का वेतन नहीं दिया गया, जबकि इनके द्वारा 8 महीने से नियमित सेवाएं दी जा रही थी। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत परेशान है, यूं लगा लो घर में एक दामो भी ना खाने के लिए। और 8 महीना पूरे हो चुके हैं, 9वां भी खत्म होने वाला है, 1 महीना रहेगा, 1 तारीख को पूरा हो जाएगा। ना तो हमारी कोई एमएलए सुन रहा है, ना कोई चेयरमैन सुन रहा हो, और कहीं बड़े आके पास जामे अफसर के पास तो वो कहता है अपने मंत्री से बात करो, नायर से मिलो, नायर जी कोई ऐसा हमें कोई कुछ हमें खाली ओनली 9 महीने तक मैं आश्वासन नहीं देते आ रहे हैं। वेतन नहीं मिल रहा आप लोगों को? कुछ ना मिल लो जी। आप दिन रात काम कर रहे हो? अब दिन रात एक कर रखे हैं अब जी, नए चेयरमैन साहब बैठे। सत्य खबर के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।